लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैंने हर स्तर पर जाकर लोगों से मुलाकात की है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त सजा होगी, वेदना को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और जो लोग घायल हैं उनको उचित इलाज मिले इस बात को हम सब सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने उन लोगों की भी सराहना की जो आगे बढ़कर मदद के लिए आए हैं और इसी वजह से राहत और बचाव के काम को आगे तेजी से बढ़ाया गया है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कहा, ये सुनिए। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ, असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे ने पूरी शक्ति के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया है, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, वेदना को व्यक्त करने का मेरे पास शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं होगी, घटना से हम सीखेंगे और आगे व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, सुधारेंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त सजा होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में
आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दें कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है